एक बार मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रिद्वानुल्लाही ताला अलैहिम अजमाइन के दरमियान ऐलान फरमाते हैं, अगर किसी का मेरे ऊपर कोई हक बाकी है तो वो ले सकता है, अगर किसी का कोई हक बाकी है तो ले सकता है। तो सहाबा में से एक सहाबी खड़े हुए और कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा आपके ऊपर हक बाकी है। सब सहाबा उनकी तरफ देखने लगे कि कौन है, हुजूर पर इसका क्या हक बाकी है। तो हुजूर ने फरमाया, जो हक है बताओ। कहा, आप जंग की तैयारी के दरमियान सब सीधी कर रहे थे या नमाज की हालत में सब सीधी फरमा रहे थे, मैं सब से थोड़ा सा आगे बढ़ गया था, आपके हाथ में छड़ी थी, आपने मुझे छड़ी से मारा था सब सीधी करने के लिए। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मैंने सब सीधी करने के लिए छड़ी लगाई होगी। तो सहाबी ने कहा कि मुझे वो हक चाहिए, मुझे वो हक चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और अपने आप को उनके हवाले किया, कहा कि तुम ले सकते हो जो तुम्हारा हक है, जितना मैंने तुम्हें लगाया था छड़ी से उतना तुम भी मुझे लगा सकते हो। अल्लाहु अकबर, ये कायनात का सबसे अजीम आका, जिसने पूरी कायनात को अंधेरियों से उजाले में लाया और जिसकी एक ताब के लिए, इस एक दीदार के लिए करोड़ों फरिश्ते बेकरार हो, वो अपने ही गुलाम, अपने ही खादिम सहाबी के पास अपने आप को इंसाफ के लिए पेश कर रहा हो। सहाबा सब देखते रहे और कहने लगे कि ये कैसा हो सकता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कोई हाथ उठाएगा। कोई सहाबी अगर खड़े होते तो हुजूर जलाल में उन्हें बिठा देते कि ये इंसाफ है, ये अल्लाह का दीन है, तुम बैठ जाओ। तो जब हुजूर पाक ने अपने आप को पेश किया तो वो सहाबी आगे आए, कहा कि जिस वक्त आपने मुझे मारा था उस वक्त मेरे जिस्म पर कपड़ा नहीं था पीठ पर, लिहाजा आप भी अपना जुब्बा उठाएं, आप भी अपना जुब्बा उठाएं, मैं नंगी पीठ था जब आपने मुझे छड़ी लगाई थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्म अतहर से जुब्बा भी हटा दिया, एक खादिम और एक गुलाम की बात पर। जब जुब्बा हटाया तो वो सहाबी आगे बढ़े और हुजूर के दोनों कंधों के बीच में मोहरे नबूवत थी, उसको जाकर चूम लिया। मोहरे नबूवत क्या है? दोनों शानों के बीच में एक मोहर, अंडे से थोड़ी सी बड़ी एक ऐसी शक्ल थी जिसको खुलते ही सूरज से ज्यादा रोशनी उसमें आती थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो मोहरे नबूवत है, आपके खातमुन नबीयीन होने की अलामत थी। और सहाबा वो देखने के लिए भी बेकरार रहते थे कि कभी तो वो मोहरे नबूवत भी नजर आए। और वो सहाबी मोहरे नबूवत को चूम लिए और उसके बाद कहे, मैंने मेरा हक ले लिया, मैंने मेरा हक ले लिया। लेकिन मेरे अजीजों, वाकया जो है, हदीस जो है, सहाबी ने अपना अमल किया, उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहरे नबूवत का बोसा चाहिए था, वो इस रास्ते से चले तो गए लेकिन रसूल पाक को तो देखें। अगर कोई गुलाम भी कहता है कि मुझे हक चाहिए तो अपने आप को सुपुर्द करते हैं। है कोई दुनिया में इस निज़ाम को पेश करके दिखाए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस अदल को कायम किया था, है कोई आज दुनिया का लीडर जो अपने आप को इंसाफ के कटहरे में खड़ा कर सके? यहाँ तो जालिमों की दुनिया है, यहाँ खून पीने वालों की दुनिया है और कुर्सी पे बैठने वाले अपने आप को इंसाफ से बालातर समझते हैं। इनका तो ख्याल ये है कि सारे कोर्ट और कचहरी के कानून इन पर नहीं नाफिज होते, वो तो गरीबों पर होते हैं। आज यही तो चल रहा है, सारे जितने भी कानून हैं, लॉ हैं, वो गरीबों पर नाफिज होते हैं, सेठों पर नहीं होते, अमीरों पर नहीं होते, नेताओं पर नहीं होते। नेता के लिए देखें, सारे वो सिग्नल भी तोड़ता हुआ चला जाए उसके लिए कोई चालान नहीं है, नेता जी हैं उनके लिए थोड़ी ना कानून बना है, संविधान उनके लिए थोड़ी ना है। ये लॉ की किताब सिर्फ गरीबों को दिखाने के लिए है। वो दो नंबर का कारोबार करते रहे, कोई रेड नहीं पड़ेगी, चलते रहेंगे। हाँ, कुर्सी से उतर गए तो सारी रेड पड़ेगी, कुर्सी से हट गए तो डिपार्टमेंट की भी और अल्लाह की तरफ से भी, फरिश्तों की भी पड़ती है। ये दुनिया का निज़ाम हमने देखा है मेरे अजीजों।
और यही की बात नहीं कर रहा हूं, जो बनाम मुसलमान मुल्क हैं आज उनका भी हाल यही है। आज चाहे वो सऊदी हो, इमारात हो या फिर कुवैत, बहरैन, ये सब ममालिक बज़ाहिर हाथी के दांत हैं, जो जुब्बे कुब्बे में मुसलमान नजर आते हैं, लेकिन इन्होंने इंसाफ का खून किया हुआ है। अदल नाम की कोई चीज नहीं है। इनके शहजादे, इनके घरों में पलने वाले अय्याश, इनके बेटे न जाने कितनी औरतों की इज्जत लूट लें, फिर भी इनके लिए कानून नहीं है। हाँ, अगर वही कोई गरीब से ये इज्जत हो जाए तो सिर्फ मौत की भी सजा है, वो मौत के कटहरे तक भी जा सकता है। तो दुनिया में निजामे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मिसाल कोई नहीं ला सकता।